Hey everyone, welcome to an academy. Good afternoon to all of you. Hi Aditya. So कैसे हो आप सब? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. आज हमारा लेक्चर टू है. आज हम देखेंगे लास्ट मिनट प्रीलिम्स 2020 विनर सीरीज. करंट अफेयर स्पेशली क्लास आपकी रहेगी. कल हमने ऑलरेडी लेक्चर वन हम कर चुके हैं. सो गाइज, इस क्लास में लास्ट वन ईयर के जितने भी करंट अफेयर जो इतने इंपॉर्टेंट रहते थे, जो न्यूज़ में थे, हम उस सबको इस पूरी सीरीज में देख रहे हैं. सो टुडे इज लेक्चर टू. कैसे हो आप सब? गाइज, अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, देन यू कैन यूज स्टडी आईएएस कोड एंड गेट 10% इंस्टेंट ऑफ. आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं. अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो हमारी टीम के कोई भी मेंबर आपसे कनेक्ट जरूर करेंगे. ओके, सो हम 1 मिनट का वेट करते हैं, सभी हमारे साथ ऐड हो जाए, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे. प्लीज जस्ट मेक योर प्रेजेंस इन द कमेंट बॉक्स फर्स्टली. हाय आदित्य. कल ऑलरेडी गाइस हम लेक्चर वन कर चुके हैं लास्ट मिनट प्रीलिम्स 2020 का, जिसमें जितने भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट थे हम सब देख चुके हैं. और आज हमारा लेक्चर टू होगा. ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं. गाइज, ये सारे जो स्लाइड्स हैं, जरदोजी वगैरह, जीआई टैग क्या होता है, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स क्या है, क्यों न्यूज़ में इतने आए थे, ये सब टॉपिक हम कल वाली क्लास में देख चुके हैं. कंकरेंट लिस्ट क्या होती है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है, क्यों प्रॉब्लम्स है, प्रीलिम्स के लिए क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, वो हम देख चुके हैं. आज हम कंटिन्यू करेंगे नई टॉपिक से. एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? एम आई विजिबल? Hey guys, am I audible and visible to all of you? ओके, सो एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइस? सो लेट्स स्टार्ट गाइस. अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, देन यू कैन यूज स्टडी आईएएस कोड एंड गेट 10% ऑफ. यू कैन कॉल ऑल्सो ऑल्सो ऑन दिस नंबर. ओके,
गाइस हम कल लेक्चर वन कर चुके हैं ऑलरेडी. तो उसमें हमने सारे टॉपिक किए थे. जीआई टैग क्या है, जारदोजी क्या है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स क्या है, मलिमत कमेटी की रिपोर्ट क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये सारे टॉपिक हम कल कर चुके हैं. सोलर ऑर्बिटर मिशन. आज हम स्टार्ट करेंगे, प्लेस इन न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं. जो भी प्लेसेस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं लास्ट 1 ईयर, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्टली मेक योर प्रेजेंस इन द कमेंट बॉक्स. ओके, सो पहला हमारा टॉपिक है मागोरी मोटापंग वेटलैंड. ये न्यूज में क्या है, वेटलैंड क्या है और क्यों ये न्यूज में था? एक्चुअली ये वेटलैंड गाइस असम में है. ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि वहां पर जो असम में है वहां पर एक इकोलॉजिकल जोन है जिसमें फायर हो गई थी. वहां ऑयल स्पिल करने की वजह से वहां पर फायर आग लग गई थी, इस वजह से ये न्यूज में था. पर हमें, चलो ठीक है, फायर लगी, पर हमें क्या याद रखना है कि एक तो ये वेटलैंड क्या है, कौन कौन सी ट्राइब यहाँ पर रहती है, उसकी लोकेशन क्या है. सो हमें वो टॉपिक्स ध्यान में रखने हैं. उसके साथ साथ यहाँ पर है डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व. दैट इज मच 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 इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल. हम सबके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं. पहले हम बात कर लेते हैं वेटलैंड की. वेटलैंड ड्राइव इट्स नेम फ्रॉम मागो, दैट इज लोकल वर्ड फॉर द कैटफिश. हेलो पिंकी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच. इट वॉज डिक्लेयर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट बर्ड इन बायोडाइवर्सिटी एरिया इन 1996. यस नवीन, दिस इज फर्स्ट टॉपिक. लेक्चर वन कल हो चुका है, आज लेक्चर टू है और इसमें पहला ही टॉपिक ये है. हाय अभी, थैंक यू सो मच. तो ये मागुरी जो मोटापंग वेटलैंड है वो इम्पॉर्टेंट बर्ड इन बायोडाइवर्सिटी एरिया में ऐड हुआ था इन 1996. फर्स्टली आप मुझे बताइए कि आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट, ये जो रिजर्व है वो कनेक्ट करता है नेशनल पार्क इन असम टू द नामथापा नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश. ये वाला जो रिजर्व है डिब्रू साइखोवा रिजर्व. गुड आफ्टरनून राशिद. नामथापा जो नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में है, उसको उससे कनेक्ट करता है, क्रिएटिंग ए बिग वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस इन द इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. इट इज लोकेटेड विद इन द ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन. ब्रह्मपुत्र जो रिवर अरुणाचल से होके ऐसे निकलती है उसके फ्लड प्लेन वाले एरिया में डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है एंड इट इज क्रॉस्ड बाय द लोहित रिवर. तो डिब्रू के बारे में आपको याद करना प्रेलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. गाइज एक काम कीजिएगा, क्लास के बाद बायोस्फीयर रिजर्व वाली क्लास में जाइएगा. डिब्रू साइखोवा के बारे में जो जो हमने किया है, वहाँ की लोकेशन, फीचर्स और फ्लोरा या फोना जितने भी हैं उन सबके आपको रीड करना है. तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा. डिब्रू साइखोवा. ओके पिंकी, यू ज्वाइन टेलीग्राम, देयर आई विल शेयर. डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जान लेते हैं कि एक तो ये असम में है, पहली बात. लोकेशन आपको याद रखनी जरूरी है, ब्रह्मपुत्र के साउथ बैंक वाली लोकेशन एरिया में ये लोकेटेड है. 97 में बना था. इसके आसपास क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर है और अरुणाचल हिल्स है इन द नॉर्थ एंड डिब्रू एंड पटकाई हिल्स ऑन द साउथ. इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल कि अरुणाचल हिल्स इसको नॉर्थ से कवर अप कर रही है, पटकाई हिल्स और डिब्रू हिल्स इसको साउथ से कनेक्ट कर रही है. थैंक यू शिवान्या. दिस रिजर्व इंक्लूड एंडेंजर्ड व्हाइट विंग्ड वुड डक एंड वाइल्ड फेरल हॉर्सेस. इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिम्स. ये देखिए, ये है तिनसुकिया. इसकी लोकेशन हम मैप में देख रहे हैं, डिब्रूगढ़. ये पूरा वाला जो एरिया है ना,
ब्रह्मपुत्र का फ्लड प्लेन है और इसी लोकेशन में आपका डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि अरुणाचल प्रदेश से भी कनेक्ट करता है। ओके, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरांग या फिर राजीव गांधी नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा और नामेरी नेशनल पार्क इसी रिजर्व में लोकेटेड है या असम में लोकेटेड है। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बेल्टिक स्टेट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। बेल्टिक स्टेट क्या है, इनकी लोकेशन क्या है, किस किस से कनेक्ट ये कर रहा है, क्या ये लैंड लॉक कंट्री है, ये सारी इंफॉर्मेशन गाइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू, वो 5 दिन की विजिट पर गए थे लिथुआनिया और एस्टोनिया, दो स्टेट में गए थे लिथुआनिया और एस्टोनिया। गाइस वो क्यों गए थे, क्या करके आए थे, वो इतने इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए है उसकी लोकेशन को याद रखना। ओके, उनकी विजिट का जो उद्देश्य था वो ये था कि इन तीनों बेल्टिक नेशंस के साथ अपने बायलेटरल जो टाइज है उसको स्ट्रेंथन करना, उनके साथ एक अच्छी रिलेशंस बनाना। दी स्टेट आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ यूरोप, ये यूरोप है ये पूरा, इसके नॉर्थ ईस्ट वाली लोकेशन में तीनों स्टेट लोकेटेड है। आप देख सकते हैं इधर है इस्टोनिया, उसके नीचे है लेटविया, उसके नीचे है लिथुआनिया। ओके, आपको विजिबल हो रहा है ना मैप, इस्टोनिया, लेटविया और लिथुआनिया। गाइस देखिए तीनों में से कोई भी स्टेट लैंडलॉक कंट्री नहीं है, इधर ये बेल्टिक सी से कनेक्ट कर रही है। ओके, सीरीज याद रखिएगा, पहले एस्टोनिया, फिर है लेटविया, फिर है लिथुआनिया, तीनों ही वाटर से बेल्टिक सी से कनेक्ट करती हैं, लैंडलॉक कंट्री नहीं है। इसके बाद आता है बेलारूस, इसके आसपास की कंट्री याद रखना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेलारूस एक लैंडलॉक कंट्री है, इसे पोलैंड भी लैंडलॉक नहीं हो जाता क्योंकि ये देखिए यहाँ से कनेक्ट कर रहा है। ओके, सो जो भी टॉपिक आता है मैप मैप से रिलेटेड, उसके आसपास के बारे में याद रखना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पढ़ते हैं, ये GS1 पेपर ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है। द वॉटर वे दैट सेपरेट ईरान एंड अमान, ईरान और अमान को अलग करता है। मैप में देखिए ये जो आपको चीज दिख रही है ना, दैट इज स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इसको क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। गाइस आपको क्लियर होता जाए तो बताते चलिए, मेरे को स्टेट ऑफ हॉर्मुज है ये जो कि दो वाटर बॉडी को अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। स्टेट का मतलब यही होता है कि दो लैंड मास को कनेक्ट करता है, दो वाटर बॉडी को, लार्ज वाटर बॉडी को सेपरेट करता है। ओके, इधर देखिए ये है पर्शियन गल्फ, इस साइड है आपका गल्फ ऑफ अमान, ये दोनों को सेपरेट कर रहा है। इसके पास में है दुबई, इधर आपका आ जाता है यूनाइटेड अरब एमिरेट, अमान, अमान एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है, वो गल्फ ऑफ अमान से बॉर्डर बनाता है। सऊदी अरेबिया इधर नीचे की तरफ आ जाता है, इधर है कतर, ये जो आप ये छोटा सा पोर्शन ऊपर उठा हुआ देख रहे हैं ये है कतर, इस साइड है ईरान, इराक और कुवैत। कुवैत के बारे में पूछा जा सकता है कि क्या ये लैंडलॉक कंट्री है या फिर ये पैशन गल्फ से कनेक्ट कर रही है। सो हाँ गाइज, ये कुवैत जो है वो पैशन गल्फ से बॉर्डर बनाती है। क्लियर है। यस नवीन, कंप्लीट 1 ईयर कोर्स होगा जिसमें सभी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है ना वो सभी इसमें कवर करे जाएंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, ईरान और अमान को सेपरेट करता है, पेशियन गल्फ और गल्फ ऑफ अमान को और अरेबियन सी को, तीनों को याद रखना, पेशियन गल्फ को, गल्फ ऑफ अमान को और अरेबियन सी को, इन तीनों को ये कनेक्ट करता है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, आप इसको बाद में रीड आउट भी कर लीजिएगा। मोस्ट क्रूड एक्सपोर्टेड फ्रॉम द सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, कुवैत और इराक, ये देखिए सारी जो ये कंट्रीज आप देख रहे हो ना, सारी ही क्रूड एक्सपोर्टेड कंट्री है, इनकी यहाँ से क्रूड एक्सपोर्ट होता है, इराक से, ईरान हो गया, इराक हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, वो सारा इसी वे से होके जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होके ही निकलता है। दीज आर ऑल द मेम्बर्स ऑफ द ओपेक कंट्रीज, ओपेक के बारे में आपने सुना होगा, ऑयल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये उन सबकी मेंबर है, ये भी ओपेक के बारे में जानना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर नियरली द ऑल लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोड्यूस बाय द वर्ल्ड बिगेस्ट एलएनजी एक्सपोर्टर कतर, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बड़ा जो एक्सपोर्टर एलएनजी का कौन है, दैट इज कतर, कतर ये रहा। क्लियर है ये टॉपिक। ओपेक क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द
पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब जितने भी मेंबर्स हैं उनकी सबकी गवर्नमेंट ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है। बगदाद में ये बनी थी 1960 में, और जो ओरिजिनली इसके मेंबर कौन कौन थे? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। क्लियर है? ये सारे इसके इंपॉर्टेंट थे। ओपेक को पढ़ना, उसके फीचर्स जानना, वो आपके लिए रेलिवेंट हो जाता है। लेट्स टॉक अबाउट द स्पीसीज इन न्यूज। जो स्पीसीज न्यूज में रही थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। काजी 106F, काजी का मतलब है काजीरंगा। ये जो स्पीसीज है, ये जो गोल्डन टाइगर है, वो हमें काजीरंगा में मिला था। ओके, काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व में मिला था। अब आप मुझे बताइए काजीरंगा है कहाँ? काजीरंगा गोल्डन टाइगर कंट्री का ओनली गोल्डन टाइगर है दैट इज फाउंड इन इंडिया। ये आप देख रहे हैं ना, ये गोल्डन टाइगर है, सिर्फ एक ही सिर्फ इंडिया में ही ये पाया गया है गोल्डन टाइगर। ओके, काजी 106 टाइग्रेस रिसाइड इन द वर्ल्ड हेरिटेज काजीरंगा नेशनल पार्क ऑफ असम। हमने यह बात कर ली कि ये कहाँ पर है, असम में है। गाइस, स्टेटमेंट से आप एक और चीज पढ़िए, वर्ल्ड हेरिटेज आप पढ़ रहे हैं ना, कि वर्ल्ड हेरिटेज, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज में भी ये जो रिजर्व है या जो नेशनल पार्क है वो ऐड है, राइट? यस, असम में है वो। इट इज ऑल्सो नोन एज टैबी टाइगर और स्ट्रॉबेरी टाइगर। इसको टैबी टाइगर और स्ट्रॉबेरी टाइगर भी बोला जाता है। द स्किन ऑफ टाइगर इज ऑरेंज येलो विद अ ब्लैक स्ट्राइप। आप देख सकते हो, देखो ये ऑरेंज कलर का है ना, ऑरेंज है, येलो इस मिक्स भी है, ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स हैं, व्हाइट एब्डोमल रीजन है, ये वाला जो एरिया है वो व्हाइट कलर में है। तो इस तरीके फीचर्स आपको याद रखनी जरूरी नहीं है कि वो कैसा दिखता है, उसको क्या बोलते हैं, किस रिजर्व में वो है और क्या उसका नाम है, क्या वो सिर्फ इंडिया में पाया जाता है या दूसरे स्टेट में भी ये पाया जा रहा है, दूसरी कंट्री में भी, राइट? अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि काजीरंगा गोल्डन टाइगर ओनली फाउंड इन इंडिया, सो गाइज वो ठीक होगा। ओके, क्योंकि ओनली गोल्डन टाइगर है, दैट इज ओनली फाउंड इन इंडिया। क्लियर है नवीन, पिंकी, अभी एंड शिवान्या? जिस पेपर 3 के लिए आपके लिए रेलेवेंट होगा एनवायरमेंट वाले टॉपिक के लिए। नेक्स्ट आता है ग्लोबा एंडरसोन। ये क्या है ग्लोबा एंडरसोन? एक्चुअली एक प्लांट की स्पीसीज है। ओके, पहले रिसर्चर को ये लगा था कि ये प्लांट है नहीं, एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन बहुत सालों बाद, करीबन 70-75 सालों के बाद ये देखा गया कि स्पीसीज मिली है। ओके, इट इज रेयर एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज। इसका स्टेटस क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। स्टेट क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन देता है? IUCN। ओके, IUCN ने इसको क्या स्टेटस दिया? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इसको डांसिंग लेडीज या स्वैन फ्लावर्स भी बोला जाता है। व्हाइट फ्लावर इसमें होते हैं, नॉन अपेंडिज एंथर एंड अ येलोइश लिप होता है। स्पीसीज इज रिस्ट्रिक्टेड मेनली टू द तीस्ता रिवर वैली रीजन विच इंक्लूड द सिक्किम हिमालय एंड दार्जिलिंग हिल रेंजेस। तीस्ता रिवर गाइज, इससे आप देखो दो चीज आपको पता चलेंगी। एक तो तीस्ता रिवर है जो सिक्किम में होती है, सिक्किम हिमालय में ये पाया जाता है, ये जो प्लांट की स्पीसीज है सिक्किम के हिमालय में पाया जाएगा और दार्जिलिंग के हिल रेंजेस में आपको ये पाया जाएगा। इससे आपको क्या कनेक्ट करना है, तीस्ता रिवर कहाँ से होके बहती है, किसकी ये ट्रिब्यूटरी है या इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी है, वो चीज़ आप एक बार चेक कर लीजिएगा क्लास के बाद, तो वो आपके लिए रेलिवेंट हो जाता है। अब आप ये देखिए कि कैसे आप एक चीज से दो चार चीजें एक्स्ट्रा सीख रहे हो, यही तरीका होता है प्रीलिम्स को क्लियर करने का। आपने ग्लोबा एंडोसोनी के बारे में पढ़ा, क्रिटिकल एंडेंजर्ड है स्टेटस तो IUCN ने दिया था, तो थोड़ा बहुत IUCN के बारे में जाके पढ़ लीजिए। तीसा रिवर में है तो तीसा के बारे में पढ़ लो। सिक्किम में और क्या है? सिक्किम में एक बायोस्फीयर रिजर्व है, वो आप मुझे बताओ कमेंट में, तो उसके रिजर्व के बारे में पढ़िए, उस रिजर्व के एक दो फीचर्स और आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। एक टॉपिक से आप 4-5 टॉपिक अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। ओके, यही एक वे होता है प्रीलिम्स को क्लियर करने का। नेक्स्ट आता है ओफियोसॉर्डिपस साइनेंसिस। नाम थोड़ा टफ है बोलने में, इसको हिमालयन वाइग्रा भी बोलते हैं। एक तरीके की फंगस है ये, एक तरीके का कैटरपिलर है। ओके, लाइक देखो जैसे है, इसके जो पीछे वाला एरिया है वो फंगस टाइप है, आगे जो आप ये हिस्सा देख रहे हो दैट इज अ कैटरपिलर। ओके, हिमालयन वाइग्रा भी इसको बोला जाता है। इट इज अ वर्ल्ड कॉस्टलीस्ट फंगस।
इट हैज एंटर्ड आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीसीज। आईयूसीएन की थ्रेटन स्पीसीज में ऐड है, आईयूसीएन में ये ऐड है। नो नवीन, नॉट काजीरंगा, दैट इज कंचनजंगा। यस यस यू आर राइट, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है जो सिक्किम में है, राइट। बायोस्फीयर रिजर्व को याद करने की ट्रिक की हमने क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं। यस अभय यू आर राइट, क्लास ले चुके हैं तो आप वो देख लेना अगर आपको याद करने हैं तो। IUCN has placed the fungus known for aphrodisiac and rejuvenation property in the vulnerable category. फंगस, इसको कीड़ा जड़ी भी बोला जाता है, कहीं कहीं उत्तराखंड है जैसे उत्तराखंड में इसको कीड़ा जड़ी भी बोलते हैं। कैटरपिलर लाइक अपीयरेंस है। एंडेमिक, एंडेमिक का मतलब आप अभी आप बताइए एंडेमिक क्या होता है। एंडेमिक टू द हिमालयन एंड तिब्बतन प्लेटू, इट इज फाउंड इन द चाइना, भूटान, नेपाल एंड इंडिया। स्टेटमेंट आ सकती है कि जो ऑफियोसॉर्डिस साइनेंसिस है दैट इज फाउंड इन चाइना एंड इंडिया ओनली, कुछ ऐसे आ गया तो आपको वो चीज गलत करनी है। चाइना और उसके आसपास वाला एरिया क्या है, भूटान, नेपाल और इंडिया, ये उस वाली लोकेशन में आपको मिलेगी, राइट। नेक्स्ट है इंडियन बुल फ्रॉग, ये भी आपके जीएस पेपर 3 के लिए रेलिवेंट है। इंडियन बुल फ्रॉग क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है होप्लोबेट्राकस टाइगरनिस। होप्लो बेट्रागस टाइगरनिस, साइंटिफिक नेम याद रखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है गाइस। ये देखिए बुलफ्रॉग ऐसा कुछ है, अभी इसका लीस्ट कंसर्न है, अभी इतना टेंशन वाली कोई बात नहीं है। यस अभी यू आर राइट कि एंडेमिक का मतलब है कि वो स्पीसीज आपको उसी पर्टिकुलर एरिया में मिलेगी, ओके उसी पर्टिकुलर एरिया में वो रहती है। आईयूसीएन स्टेटस इसका है लीस्ट कंसर्न, इसमें अभी इतनी खतरे की बात नहीं है। कहाँ ये पाया जाता है, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में। लार्जेस्ट फ्रॉग है ये जो इंडिया में पाए गए, इसलिए ये न्यूज में था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी फ्रॉग पाए जाते हैं उसमें सबसे बड़ा फ्रॉग है ये, ओके। दे ऑफन एंगेज इन कैनिबलिज्म बाय फीडिंग ऑन द स्मॉलर इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड एंड ऑन अदर फ्रॉग्स। इट इज प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल 4th ऑफ द WPA एक्ट ऑफ इंडिया 1972, राइट। शेड्यूल 4 में ऐड है तो गाइस देखो शेड्यूल 4 में ऐड है तो अभी इसके लिए इतनी कंसर्न वाली बात नहीं है। शेड्यूल 1 में होता तो कंसर्न होता। अभी हम GS2 के बारे में बात करते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड एक स्कीम अभी लॉन्च हुई थी थोड़े दिन पहले ही, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम को लॉन्च किया था। न्यूज में क्यों है, एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज इन कोविड अमिट COVID-19 आउटब्रेक, सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम इन ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी बाय मार्च 2021। स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए, इन ऑल स्टेट, ये जो स्कीम लॉन्च की गई है वो पूरे इंडिया में लॉन्च की गई है, हर एक यूनियन टेरिटरी में लॉन्च की गई है। यानी कि मार्च 2021 तक हमारा उद्देश्य ये है कि हम सभी स्टेट तक स्कीम को पहुंचा देंगे, पर फिलहाल तक सिर्फ ये कुछ ही 17-18 ही जो है स्टेट है वहां तक ही हम पहुंच पाए हैं, क्लियर है। इस स्कीम है क्या, वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम। बेनिफिशियरी कैन बाय सब्सिडाइज फूड ग्रेन फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप अक्रॉस कंट्री यूजिंग देयर एग्जिस्टिंग और सेम राशन कार्ड दैट मस्ट बी ऑफ आधार लिंक। स्कीम मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। पहले क्या होता था कि अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो, आपने इसी एरिया का राशन कार्ड बनवाया हुआ है तो हाँ, तो आपने इसी एरिया का राशन कार्ड बनवाया हुआ है और आप फेयर प्राइस शॉप पे अगर कुछ राशन लेने जाते हैं तो इसी स्टेट में आपको मिलेगा। कुछ टाइम बाद आप माइग्रेट होके दूसरे स्टेट में आप चले जाते हो और आप सोचो कि उसी आधार उसी जो राशन कार्ड है उसको अप्लाई करके यहाँ की शॉप से आप राशन ले लो तो वो आपको नहीं मिलता था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती थी स्पेशली जो माइग्रेंट होते थे। आप अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक शिफ्ट करना चाहते हो तो आपको राशन कार्ड डॉक्यूमेंट सबको चेंज करवाना होता था। पर अभी अभी क्या है कि वन नेशन वन राशन कार्ड हो गया, यानी कि एक राशन कार्ड पूरे देश में चलेगा। अगर आप माइग्रेट करके दूसरे स्टेट में जा भी रहे हो तब भी आप उसी राशन कार्ड से अप्लाई कर सकते हो, ओके अभी ये चीज हो गई है। अंडर द न्यू सिस्टम बेनिफिशियरी विल आइडेंटिफाई थ्रू द बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस इंस्टॉल्ड एट द FPS। हर एक FPS पर एक EPOS डिवाइस होगा जिसमें आपकी आइडेंटिफाई करा जाएगा कि एक्चुअली मैं आप एक रिलायबल पर्सन है, मतलब सच में आपको ये राशन कार्ड मिला हुआ है। फ्रॉड वगैरह से बचा जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से होकर।
क्लियर है ये स्कीम आपको? नाउ अ माइग्रेंट विल बी अलाउड टू बाय मैक्सिमम ऑफ द 50% ऑफ फैमिली कोटा। अगर 100% जो है आधार सीडिंग हो जाती है, ईपीओ सर्विसेज जो है, डिवाइस जो है सब जगह इंस्टॉल हो जाते हैं, तो ये सब पूरे इंडिया में अप्लाइड हो जाएगा। करंटली ये 17 स्टेट और यूटीज में अलाउड है। बैकग्राउंड वही हमने जिससे बात करी कि फूड ग्रेन सिर्फ आप लोकल एरिया में खरीद सकते थे, पर अभी आप पूरे इंडिया में खरीद सकते हो। बेनिफिट्स क्या होंगे? ईपीओएस क्या है, फेयर प्राइस शॉप क्या है, वन राशन और ये वन नेशन जो कार्ड वाली स्कीम है किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, दैट इज मच मच इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल। ओके, वो आपके लिए रिलेवेंट है। बेनिफिट्स इसके क्या होंगे कि एक तो देखो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट जो है राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी होगी, वहाँ पे माइग्रेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक अन्न वितरण पोर्टल बनाया गया है जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होगी यूजिंग ईपीओएस डिवाइस। क्लियर है? जो बोगस राशन कार्ड होंगे, बोगस का मतलब है कि जो फ्रॉड होंगे उनको रिमूव करा जाएगा। अभी नवीन धीरे धीरे सब चीजें हो जाएंगी। हमारा टारगेट है मार्च 2021। कुछ तो टारगेट पास में ही हमने इसको अचीव करना है। कुछ कोविड-19 आउटब्रेक हो गया तो अभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, पर ग्रेजुअली सब कुछ ओके हो जाएगा। इट कैन कंट्रोल राइजिंग फूड सब्सिडी बिल बाय प्रिवेंटिंग लीकेज एटसेट्रा। ओके, चैलेंज देख लीजिए, टेक्निकल ग्लिचेज आते रहते हैं, आधार अभी तक पूरे ऑथेंटिकेट नहीं हुए हैं, ईपीएस मशीन गाँव वगैरह विलेजेस वगैरह में इंस्टॉल करना एक अपने आप में ही एक चैलेंज है। जो स्टेट वीक है, थोड़ी पीछे है, बिहार है जैसे, वेस्ट बंगाल का कुछ एरिया है, वहाँ पर माइग्रेशन रेट ज़्यादा होती है, वहाँ पर जो पिछड़ा हुआ इलाका है वहाँ पर इन सब चीज़ों को अलाउड करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी सब जगह अवेलेबल नहीं है, सभी लोग इंटरनेट पर रिलायबल भी नहीं होते, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको अगर आप मेंस एग्जाम लिखेंगे तो अभी ये सब मेंशन वहाँ पे कर देना। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये आपके प्रीलिम्स के लिए रेलेवेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया था। कंट्री क्लोजर टू अचीविंग इट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 और जीरो हंगर। जीरो हंगर को रिमूव कर देंगे जो हमारा SDG 2 है इन इंडिया बाय 2030। 2030 तक जो टारगेट हमने अचीव करना है उसमें उसका ये एक स्टेप है। क्लियर है? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ PDS क्या है? ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। गाइस, सेक्टर स्कीम का मतलब होता है दैट इज फुली फंडेड बाय द सेंटर। वो पूरी तरीके से फंडेड होती है सेंटर से। अगर स्पॉन्सर स्कीम की बात करें, आपने बहुत जगह पढ़ा भी होगा कि पर्टिकुलर स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसकी बात करें तो वो स्पॉन्सर्ड का मतलब है शेयरिंग बेसिस पर होती है, यानी कि उसका कुछ हिस्सा सेंटर देता है और कुछ स्टेट देता है। समझ गए आप? एंड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्जेक्टिव क्या है गाइज, ये आप रीड कर लीजिएगा, मेन्स में आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट अडेप्टेशन एंड रिजिलियंस फॉर द साउथ एशिया केयर प्रोजेक्ट। साउथ एशिया के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया था, केयर प्रोजेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। क्लियर है? पहले बताइए आपको लास्ट जो है सब क्लियर है? शिवान्या, एवरीथिंग इज क्लियर? राशिद, बताओ सब क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट हमारा है क्लाइमेट अडेप्टेशन एंड रिजिलियंस फॉर द साउथ एशिया प्रोजेक्ट। इसमें क्या है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक बोर्ड अप्रूव्ड $39.5 million टू केयर प्रोजेक्ट टू बोल्स्टर क्लाइमेट एक्शन इन द साउथ एशिया। जो साउथ एशिया है, पहले मैप देख लें, ये है साउथ एशिया जिसमें आपका इंडिया आता है, इस साइड पाकिस्तान आता है,
इस साइड पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश है, इधर वियतनाम है, बर्मा है, म्यांमार है, इधर थाईलैंड है, इधर जो आइलैंड वगैरह है, श्रीलंका, ये सारा आपका साउथ एशिया में आता है। हेलो आशीष, ये सारा आपका साउथ एशिया में आता है। आप ये देखिए, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स बनते हैं, राइट? साइक्लोन्स बनते हैं जिन सब की वजह से क्या होता है कि ये जो कंट्रीज होती हैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड होती हैं, क्लियर? इसीलिए प्रोजेक्ट बनाया गया केयर प्रोजेक्ट, वर्ल्ड बैंक से फंडेड है ये प्रोजेक्ट, टू बोल्स्टर द क्लाइमेट एक्शन इन द साउथ एशिया। साउथ एशिया में क्लाइमेट एक्शन जो होते हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये फंडेड हुआ था। साउथ एशिया इज हाईली वल्नरेबल टू द सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट रिलेटेड हैजार्ड्स। 1990 और 2019 के बीच में करीबन करीबन 1,000 से भी ज़्यादा डिजास्टर हो चुके हैं। लाइक कभी कोई साइक्लोन आ जाता है, कभी कोई साइक्लोन होता है, कभी रेन इतनी ज़्यादा होती है, वहाँ रहने वाले जो लोग हैं बहुत ही प्रॉब्लम्स में होते हैं। क्लियर है बात? इसी वजह से केयर प्रोजेक्ट बनाया गया था। वर्ल्ड बैंक ने देखा कि आज तक करीबन 1.7 बिलियन लोग जो हैं इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, और वहाँ की जो लोग हैं उनको पॉवर्टी भी हो रही है, मतलब पॉवर्टी में जी रहे हैं वो लोग। केयर प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। द प्रोजेक्ट विल बिल्ड अ रिजिलियंस टू क्लाइमेट थ्रेट। जो क्लाइमेट थ्रेट होती है उसको सॉर्ट आउट करने में प्रोजेक्ट काम करेगा, डिजास्टर से, बाय शेयरिंग रीजनल डाटा एंड नॉलेज। इस प्रोजेक्ट के तहत बता दिया जाएगा एडवांस में ही कि कोई थ्रेट आने वाला है, कोई डिजास्टर आने वाला है। वहाँ के जितने भी माइग्रेंट है या जो लोकल पीपल है, सिटीजन है, उन सबको दूसरी जगह ले जाया जाएगा और एक अच्छे से उनको मतलब घर वगैरह दिए जाएंगे, राइट? क्योंकि अगर हमें पहले से पता होगा कि कोई डिजास्टर है तो लोग अपने आप को भी सेव करने की सोचेंगे, ठीक है ना बात? इट विल हेल्प इन डेवलपिंग रीजनल स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइन फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोटिंग क्लाइमेट रिजिलियंट पॉलिसीज एंड इन्वेस्टमेंट। ऐसे पॉलिसीज भी बनाई जाएंगी और इन्वेस्टमेंट भी करी जाएगी इसी प्रोजेक्ट के अंदर। केयर प्रोजेक्ट क्या है, किसने स्टार्ट किया था, उद्देश्य क्या है, किस किस कंट्री, कौन कौन सी कंट्री इसमें ऐड होगी, वो सारी आपके लिए प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट हो जाती है। इट विल ऑल्सो चेक ऑल द क्लाइमेट इम्पैक्ट हैपेंड अक्रॉस बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान टू सपोर्ट एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, वाटर एंड ट्रांसपोर्ट। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और आपका इधर म्यांमार, इंडिया, चाइना और जो आइलैंड कंट्रीज होते हैं, श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज जो इसमें ऐड ऑन हो जाएंगी। केयर विल वर्क विद द टू रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। यस नवी, साउथ एशिया है एंड दैट इज फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक। तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करेगा, रीजनल थ्रेट एंड मल्टी हजार्ड वार्निंग सिस्टम, और है आपका फॉर अफ्रीका एंड एशिया दैट इज राइम्स, और एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर दैट इज ADPS, PC, सॉरी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एमिशन गैप रिपोर्ट। एमिशन गैप रिपोर्ट क्या है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ देख लो। एमिशन गैप रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इसको रिलीज करा था 2019 में, में ये रिलीज करा था, और इसकी रिपोर्ट क्या बताती है कि इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट एमिटर है, किस चीज़ का, ग्रीन हाउस गैसेस का। ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैस आती है वो आप मेरे को बताओ, GHG में कौन सी गैस को इंक्लूड करा जाता है वो सब आप मेरे को कमेंट में बताइए। ग्रीन हाउस गैस है, ये एमिशन गैप है क्या, इसको कमिटमेंट गैप भी बोलते हैं। देखिए, आप सब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी एस्पिरेंट हो, ओके? आप जब मॉर्निंग में उठते हैं तो आप एक शेड्यूल बनाते हैं कि आपको ये काम जो है आज पूरे दिन में कर देना है, वट वी नीड टू डू, ये आप एक शेड्यूल बनाते हैं ना कि हमें आज इतना काम तो करना ही है, करना ही पड़ेगा, क्लियर? कितना करना चाहिए, एट लास्ट ऑफ द डे आप चेक करते हो, जब आप पूरा दिन खत्म हो जाता है आप चेक करते हो कि आपने 10 काम गिने थे आज के करने के लिए, पर एट लास्ट ऑफ द डे सिर्फ आपने 7 ही काम करे, 3 काम आपके रह गए। तो ये जो 3 का डिफरेंस है ना, दैट इज अ कमिटमेंट गैप, कि आपने कमिट करा था 10 के लिए पर हुआ 7, दैट इज अ कमिटमेंट गैप, क्लियर होता है? एमिशन के बारे में भी वही चीज है, इट मेजर द गैप बिटवीन वट वी नीड टू डू एंड वट वी आर एक्चुअली डूइंग टू टैकल द क्लाइमेट चेंज।
टू टैकल द क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए ये गैप रिपोर्ट जो है वो बनाई गई थी. फाइंडिंग्स क्या है इस रिपोर्ट की, इट एसेस द गैप बिटवीन द एंटीसिपेटेड एमिशंस इन 2030 एंड लेवल कंसिस्टेंट विद द 1.5 डिग्री सेल्सियस एंड 2 डिग्री सेल्सियस टारगेट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट. 2030 तक हमने जो एमिशन टारगेट अचीव करना है वो है 1.5 और पेरिस एग्रीमेंट के तहत 2 डिग्री सेल्सियस हमने अचीव करना है. ग्रीन हाउस गैस को हमने 1.5 तक लेकर आना है और G20 जो नेशंस है यानी कि 20 जो कंट्रीज हैं, G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज हैं, कलेक्टिवली अकाउंट फॉर द 78% ऑफ ऑल एमिशन. यानी कि जो 20 कंट्री है, 20 कंट्री है, मिलकर 78% पूरे वर्ल्ड का खुद ही एमिट कर रही है. क्लियर. टॉप फोर एमिटर कौन कौन है, सबसे पहले आता है चाइना, फिर है यूएसए, देन आपका ईयू, देन आता है इंडिया. चाइना सबसे ज्यादा एमिट करता है, फिर यूएसए, यूरोपियन यूनियन एंड देन इंडिया. ये इंपॉर्टेंट है सीरीज में याद करना कि चारों जो है 55% जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक्सक्लूडिंग द लैंड यूज चेंज लाइक डिफॉरेस्टेशन को एक्सक्लूड करा गया है इस रिपोर्ट में से, वो चीज आपको याद रखनी है. कौन कौन से सेक्टर हैं जो कि लार्जेस्ट एमिटर हैं, यानी कि किन सेक्टर में से जो एमिशंस हैं एमिट कर रहे हैं ज्यादा, वो कौन से हैं. सबसे हाईएस्ट पे है एनर्जी, सेक्टर याद रखना इन अ सीरीज, दैट इज मच इम्पॉर्टेंट. टॉप पे आएगा आपका एनर्जी, फिर आपका आता है इंडस्ट्री, फिर आता है फॉरेस्ट्री, देन ट्रांसपोर्ट, देन एग्रीकल्चर एंड देन बिल्डिंग. ओके, ये तीन और तीन छह, छह सेक्टर हैं आपको याद रखने ही रखने हैं, राइट. ये सब हम कर चुके हैं. इसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम क्या है. सॉरी गाइस, इट इज अ लीडिंग ग्लोबल एनवायरमेंटल अथॉरिटी दैट सेट द ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंडा and promote the implementation of environmental dimension of sustainable development with the United Nations system. एक तरीके की environmental authority है जो कि जितने भी agenda है वो establish हमने किए हुए हैं उन सबको checkout करती है. इसका headquarter है Nairobi, Kenya में. Other flagship publications, दूसरी publications कौन सी है, like Our Planet हो गई, टुंजा हो गई, एटलेस ऑफ अवर चेंजिंग एनवायरनमेंट हो गई, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, ये सारी रिपोर्ट यूएनईपी के द्वारा रिलीज करी जाती है. सो ये टॉपिक क्लियर है. यूएनईपी होस्ट द सेक्रेटरीट ऑफ दीज एग्रीमेंट. ये सारी रिपोर्ट है गाइज, या ये जो इन सभी बॉडी के सेक्रेटरीट कौन है, यूएनईपी. कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्लोरा, मिनामाता कन्वेंशन ऑन मरकरी, बेसल रॉटरडेम एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. गाइस हम एक क्लास लेंगे जिसमें ये सारी जो इंटरनेशनल बॉडी है ना, इंटरनेशनल कन्वेंशन है या बॉडीज है, उनको कवर अप करेंगे फॉर द प्रिलिम्स. कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज. सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस क्या है और कौन इसका लार्जेस्ट एमिटर है, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू. एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इंडिया इज अ लार्जेस्ट एमिटर ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इन द वर्ल्ड. इंडिया जो है लार्जेस्ट एमिटर पाया गया है सल्फर डाइऑक्साइड का इन द वर्ल्ड एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट मोर देन 15% ऑफ द ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस. मैन रिलेटेड जितने भी एमिशन होते हैं उसमें 15% से ज्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इंडिया का है. समझ रहे हो बात को, यानी कि हम लाइक शिप वगैरह चलाना, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करना, ये सारे जितने होते हैं ना वो एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस होते हैं और इनमें एमिट करने वाले 15% से ज्यादा इंडिया कंट्रीब्यूट करता है टू द वर्ल्ड. ओके, इंडिया हाई एमिशन आउटपुट इज द एक्सपेंशन ऑफ कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ओवर द पास्ट डिकेड. पिछले 10 सालों में ये देखा गया है कि कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज हैं, वो बहुत ज्यादा लग रही है हमारे इंडिया में, जिसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है.
SO2 जो इमिशंस होते हैं वो एयर पॉल्यूशन को एमिट कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि एयर पॉल्यूशन होने में SO2 का एक अपना अच्छा सा हाथ है। ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ SO2 इन एटमॉस्फेयर इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। जो फॉसिल फ्यूल जलाए जाते हैं पावर प्लांट वगैरह में, दूसरी इंडस्ट्रियल फैसिलिटी में, उन सब में, उन सब से भी जो SO2 वो रिलीज होता है। क्लियर है ये टॉपिक? सोर्स ऑफ SO2 के सोर्स क्या क्या है? द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल बाय पावर प्लांट एंड अदर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज, इंडस्ट्रियल प्रोसेस लाइक एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम ओर, खान वगैरह होती है उनमें से मेटल निकालना, वॉल्केनोज वगैरह नेचुरल सोर्स हो गया, शिप वगैरह जो चलती है उसमें सी में, और जिससे फ्यूल बर्न होता है तो वो भी एक सल्फर कंटेंट है। द प्राइमरी रीजन फॉर इंडिया हाई एमिशन आउटपुट इज एक्सपेंशन ऑफ कोल बेस। पिछले 10 सालों में कोल से रिलेटेड फैक्ट्री इंडस्ट्री जो लग रही है वो पहला रीजन है, प्राइमरी रीजन है। क्लियर है? SO2 कॉन्ट्रीब्यूट टू द एसिड रेन, फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, एंड इट इज ऑल्सो प्रिकर्सर फॉर द सल्फेट एरोसोल्स भी इससे रिलीज होते हैं, जो कि क्लाउड्स को इम्पैक्ट डालते हैं और हमारी हेल्थ और क्लाइमेट प्रॉब्लम पर भी इम्पैक्ट डालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है चीता। चीता न्यूज में क्यों था? जीएस पेपर 3 के लिए रेलिवेंट हो जाएगा। ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने अलाउड करा है, हमारे यहाँ पर 92 में एक्सटिंक्ट हो गया था इंडिया में, लेकिन ये एक जो है स्पीसीज ऐसी है जो हमें अपने इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए जरूरी चाहिए अपने एनवायरनमेंट में, अपनी कंट्री में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अलाउड करा था कि हम अफ्रीका के नामीबिया, अफ्रीका में एक कंट्री है नामीबिया, वहां से अफ्रीकन चीता लेकर आते हैं और हमारे इंडिया में जो सुटेबल हैबिटेट है वहां पर उसको रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए अलाउंस दे दिया था। चीता एक कीस्टोन स्पीसीज ऑफ द ड्राई फॉरेस्ट। ये जो मतलब एक ऐसा मैमल है जो कि सबसे तेज भागता है, इसलिए किस तरीके के एरिया में रहेगा? ड्राई फॉरेस्ट में, सूखे जंगल में, स्क्रब हो जहां पर, और सवाना वगैरह में ये पाया जाएगा, क्योंकि इसको भागने के लिए स्पेस चाहिए। ओके, स्पेस चाहिए। और अगर ऐसा होगा कि घने जंगल होंगे तो वही ये वहां पर सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसको एरिया चाहिए भागने के लिए। इसीलिए जो चीता है वो किस हैबिटेट में रखा गया है वो आप मेरे को कमेंट में बताओ। कीस्टोन स्पीसीज का मतलब होता है वे स्पीसीज जो कि हाईली इम्पैक्ट डालती है हमारे इकोसिस्टम में रिलेटेड टू इट्स पॉपुलेशन। क्लियर? इसका IUCN स्टेटस क्या है? वल्नरेबल है लिस्टेड। जो अफ्रीकन चीता है वो वल्नरेबल है। एशियाटिक चीता के बारे में बात करें तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जो सिर्फ ईरान में पाया जाएगा, ईरान में ही सरवाइव कर सकता है। एशियाटिक चीता ईरान में सिर्फ 50 से 70 तक ही रेंज में है, और अफ्रीकन जो चीता है वो अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं, जो अभी वल्नरेबल है, यानी कि अभी उनकी संख्या ज्यादा है। नवीन कीस्टोन मैंने बता दिया, क्लियर हुआ क्या? एक्सटिंक्शन के रीजंस क्या है? आप अपने आप माइंड में सोचिए कि एक्सटिंक्ट क्यों हुआ होगा। जो जंगल होते हैं उनमें मैंस का इंटरफेरेंस होता है, ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है, लॉस ऑफ हैबिटेट एंड लॉस ऑफ प्रे होता है, यानी कि जिस पर ये जीवित होते हैं, प्रे का मतलब है कि जो चीता है वो जिसको खाएगा वो नहीं रहे, लॉस ऑफ प्रे हो गए हैं। इलीगली ट्रैफिकिंग होती है जिसकी वजह से इनकी नंबर में गिरावट आई है, इनकी संख्या में गिरावट आई है। क्लाइमेट चेंज का आप बताइए अक्षय, क्लाइमेट चेंज का असर भी इस पर पड़ता है। ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो रही है जिसकी वजह से फॉरेस्ट को कट करना पड़ता है, और वहां से जो है जो वाइल्डलाइफ स्पीसीज है उनको प्रॉब्लम्स होती है। विद लेस अवेलेबल लैंड फॉर द वाइल्डलाइफ स्पीसीज दैट रिक्वायर वास्ट होम रेंज लाइक द चीता। क्योंकि वाइल्ड लाइफ के लिए स्पेस कम बच गया है, और स्पीसीज जो चीता है जैसी स्पीसीज है उनको एक ज्यादा जगह चाहिए होती है, वास्ट होम रेंज चाहिए होती है अपने रहने के लिए। तो आप ये कह सकते हो कि ह्यूमंस में और एनिमल्स में एक तरीके का कंपटीशन हो रहा है, उनको एक स्पेस के लिए कंपटीशन वो कर रहे हैं। चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट आया था अभी न्यूज में, उसमें क्या था कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट को सजेशन दिए थे कि अफ्रीकन चीता को नामीबिया से लेकर नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मध्य प्रदेश में है, ये नवीन एमपी में ही है, एमपी का है नौरादेही। एमपी में बहुत सारी सेंचुरीज हैं तो याद रखिएगा नौरादेही है, ये नौरादेही
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश में, वहां लाने की बात की गई है, क्योंकि वहां का जो एरिया है वो सुटेबल फॉर द चीता है, राइट? क्यों है? क्योंकि ड्राई फॉरेस्ट है, सवाना लाइक कंडीशंस वहां पर है, इसलिए नोरा देही में जो चीता है वो सरवाइव कर पाएगा, इसलिए वहां पर इसको लाया जाएगा। री इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि उसको एक स्पीसीज को ऐसी जगह लेकर आना जहां वो सरवाइव कर सके। री इंट्रोडक्शन ऑफ लार्ज कार्निवोर हैव इंक्रीजिंगली बीन रिकग्नाइज एज ए स्ट्रेटेजी। ये एक तरीके की स्ट्रेटेजी है टू कंजर्व थ्रेटन्ड स्पीसीज। जो स्पीसीज थ्रेटन्ड हो रही है ना, उनको कंजर्व करना, बचा के रखना और हमारे इकोसिस्टम फंक्शंस को रिस्टोर करना। जब हम इको एनवायरनमेंट का पूरी टॉपिक करेंगे, शंकर आयस को अच्छे से कवर अप करेंगे, तब हम देखेंगे कि इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं, थ्रेटन स्पीसीज को सेफगार्ड करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए हैं। वो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर वो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्रीलिम्स के बाद हम ये पूरी टॉपिक करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आप मेरे को बताइए, टॉपिक क्लियर है? नोरा देही के बारे में जानना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप मुझे आप जानिए आज नोरा देही क्या है, कहाँ पर है, इसके आसपास की लोकेशन जानिए, और कल फिर हम क्लास में बात करेंगे। डेली एट द 1 PM ये क्लास होती है। कल हम बात करेंगे कि नोरा देही क्या है, ये आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है। NTCA के बारे में जानना। गाइस मैं फिर से बात कहूंगी कि आप देख रहे हो कि हमने क्वेश्चन करा था चीता से स्टार्ट करा। नवीन क्लास ये जो कोर्स चलेगा वो करीबन 10 से 15 दिन या 15 से 20 दिन भी हो सकते हैं, इतनी क्लासेस इसकी रहेंगी। डेली 1 PM ये क्लास रहती है, आज ये लेक्चर 2 है। तो प्रीलिम्स से पहले आपकी 2 रिवीजन करंट अफेयर की हो जाएगी, वो मैं इंश्योर करूंगी। आप पहले क्लासेस में करो, उसके बाद जितनी भी PDF आपको मिल जाएंगी तो PDF के थ्रू आप इसको सारे अच्छे से रिवाइज करो, या क्लास ही दोबारा सुन लो, राइट? गाइज आप देखिए लिंकेज कैसे हम बना रहे हैं। हमने चीता से स्टार्ट करा, चीता के बारे में पढ़ा कि कैसा एनिमल है वो और कैसे एनवायरनमेंट में वो रह सकता है। चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट क्या है और वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आया था, NTCA के। तो NTCA क्या है, NTCA ने किस मिनिस्ट्री के वो किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट था। तो इस तरीके से आप आपको इन सब चीज़ों को कनेक्ट करना है, तभी प्रीलिम्स आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। ये नोरा देही ही में था, तो नोरा देही के बारे में जानना थोड़ा बहुत, ज्यादा मत जानना, पर क्या है उसके बारे में, स्टेटस इसको मिला है, कौन सा स्टेटस है, वो चीज आपको जाननी है, राइट? तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। गाइस कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इसके फीचर्स मेंस प्रीलिम्स के लिए याद रखना क्यों जरूरी है। अब आप देखिए, आपने ये टॉपिक पढ़ लिया कि चीता इज ए कीस्टोन स्पीसीज ऑफ ड्राई फॉरेस्ट, स्क्रब फॉरेस्ट एंड सवाना, राइट? आपने यहाँ पे रीड कर लिया, पर ये इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर अगर ऐसा हो जाए कि आपको प्रीलिम्स में जाकर ये टॉपिक ना याद आए, आपको ना याद आए कि नोरा देही में रखा गया था, पर आपको याद हो कि ड्राई फॉरेस्ट और स्क्रब फॉरेस्ट में ये स्पीसीज पाई जाएगी, तो आप माइंड में लगा लोगे कि ड्राई फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं। ऑप्शन से आप कनेक्ट कर पाओगे कि अगर बात आ जाए केरला की, तो केरला में तो ड्राई फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे। अरुणाचल की, मेघालय की आ जाए, तो वहां भी ड्राई फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे। जो मध्य प्रदेश है वहां पर ड्राई फॉरेस्ट ज्यादा मिलेंगे, तो आप उसको वहां से कनेक्ट कर लोगे। इसीलिए फीचर्स पढ़ना जरूरी होता है, ऐसे ही आप कनेक्ट करते हो प्रीलिम्स के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक आता है जो GS 2 के लिए रेलिवेंट है, दैट इज इनर लाइन परमिट एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इनर लाइन परमिट क्या है? ये एक तरीके का सर्टिफिकेट है गाइस, जो कि 4 स्टेट के बारे में बात करता है। इनर लाइन परमिट, सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन इट द पिटीशन टू स्टे द ऑपरेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पर्टेनिंग टू इनर लाइन परमिट इन असम। पहले जानते हैं कि ये है क्या चीज। कॉलोनियल यानी कि ब्रिटिश टाइम से उन लोगों ने क्या किया था कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको लोकल पॉपुलेशन से, यानी कि जो लोग प्लेन एरिया में रह रहे हैं, उनको सेपरेट कर दिया था। यानी कि अगर ट्राइबल एरिया से कोई प्लेन एरिया में आएगा तो उसको ILP वाला सर्टिफिकेट चाहिएगा, उनको एक सेपरेट बना दिया था, राइट? इनर लाइन जो एरिया है वो प्रोटेक्ट किस किस स्टेट को करता है, वो आपके लिए रेलेवेंट है। अरुणाचल प्रदेश को, नागालैंड को, मिजोरम को और मणिपुर को हम देखते हैं यहाँ पर। ये है अरुणाचल, इसके बाद आता है, नीचे ही आता है नागालैंड। पहले मणिपुर ऐड नहीं था गाइज, अभी लेटेस्ट इसको मणिपुर को ऐड करा गया है, इसीलिए ये न्यूज में भी था।
और फिर आता है मिजोरम। इससे आप ये भी याद कर पाओगे कि जो सीरीज है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की, यस आउटसाइडर नीड्स टू गेट, अगर आप जाना चाहेंगे तब भी आपको आईएलपी चाहिएगा। एक सीरीज में आपको इसको जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वो याद हो जाएंगे। सबसे टॉप पे अरुणाचल, फिर आता है नागालैंड, देन आता है मणिपुर, देन आता है मिजोरम। उसके आगे आप मूव ऑन करते हैं तो आपको मिलेगा त्रिपुरा, फिर आएगा मेघालय, देन आप पहुंचेंगे असम में। ओके, आपको ये पूरा जो सेवन सिस्टर है वो याद ऐसे हो जाएंगी। क्या अरुणाचल म्यांमार से बाउंड्री बनाता है या नहीं, या अरुणाचल कितनी कंट्री से बाउंड्री बनाता है, नागालैंड किससे बाउंड्री बनाता है, मणिपुर जो है वो मणिपुर मेगा उधर है जो म्यांमार से बाउंड्री बना रहा है या नहीं, वो सारी चीजें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, 2013 में होम मिनिस्ट्री ने कहा था कि आईएलपी का मतलब है कि जो टू प्रिवेंट सेटलमेंट ऑफ अदर इंडियन नेशनल्स इन द स्टेट वेयर आईएलपी रेज्यूम इज अ प्रेविलेंट। ओके, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या था, इट रिलैक्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सर्टेन कैटेगरी ऑफ माइग्रेंट फ्रॉम थ्री कंट्रीज सीकिंग इंडियन सिटीजनशिप। अडेप्टेशन ऑफ लॉ एक अमेंडमेंट आया 2019 में जो कि हमारे प्रेसिडेंट ने इशू करा था, जिसमें मणिपुर को लेटर ऐड करा गया। अभी चार स्टेट में है, अरुणाचल में, नागालैंड में, मिजोरम में और मणिपुर में, ये सब है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है, पहले क्या था, ये 1955 एक्ट है में बना था, जिसमें अगर आपको सिटीजनशिप लेनी है तो आप कैसे कैसे ले सकते हो, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनी टेरिटरी इनटू द इंडिया। जो अमेंडमेंट हुआ, द बिल अमेंड द एक्ट टू प्रोवाइड दैट द हिंदू सिख, ये छह है गाइस याद रखना, हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन पारसी और क्रिश्चियन, मुस्लिम या नहीं है, हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन पारसी और क्रिश्चियन फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले या उसी दिन यहाँ पर आए हैं, उनको इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा, उससे बाद आने वाले सभी लोगों को इलीगल माइग्रेंट माना जाएगा। इलीगल माइग्रेंट का मतलब है जिन्होंने इंडिया में सिटीजनशिप पाई है विदाउट वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट। क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक आता है बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट, जिसको बॉबल भी बोला जाता है। ओके, क्या है ये बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल के एरिया में ही ये चीज होगी, लाइक ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से कनेक्ट कर रहा होगा। इंडिया और यूके का, यूनाइटेड किंगडम का ये प्रोजेक्ट है, जॉइंट प्रोजेक्ट है। इट सीक्स टू एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ओशन प्रोसेस इन बे ऑफ बंगाल ऑन द मानसून सिस्टम। जब मानसून आता है, जुलाई सेप्टेम्बर का जो मंथ आता है, उसमें ओशन बे ऑफ बंगाल में जितने भी क्या कहते हैं क्लाइमेट चेंज होता है मॉनसून की वजह से, वहाँ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ के एरिया को जो कनेक्ट कर रहा है, लाइक ओडिशा हो गया, तमिलनाडु हो गया और आपके इस साइड म्यांमार हो गया, वहाँ वाली जो एरिया को जो इम्पैक्ट करता है उस सब के बारे में है ये बॉबल। ओके, इट इज अ प्रोजेक्ट फंडेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड द नेचुरल एनवायरमेंट रिसर्च काउंसिल ऑफ यूके। हमारे इंडिया के अगर देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसको मिलकर बनाया है। इट प्ले अ फंडामेंटल रोल इन कंट्रोलिंग द वेदर सिस्टम दैट मेक अप द साउथ एशिया समर मानसून सिस्टम। क्लियर है ये? ओके, तो बॉम्बिक्स क्या है? इंडियन क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम कैरिड आउट इट्स फर्स्ट ऑब्जर्वेशनल रिसर्च प्रोग्राम ऑन मानसून क्लाइमेट रिलेटेड कंसर्न इन 1999। बॉम्बिक्स कब बना था? 1999 में बना था और मानसून से होने वक्त को ये चेकआउट कर रहा था। ओके, इट एम टू मेजर द इम्पॉर्टेंट वेरिएबल ऑफ द एटमोसफियर ओशन एंड इंटरफेस टू गेन डीपर इंसाइट इन टू द सम ऑफ द प्रोसेस दैट गवर्न द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइज कन्वेक्शन ओवर द बे। बे ऑफ बंगाल पर जितने भी चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू द एटमोसफियर, ड्यू टू द मानसून या ओशन में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको ये चेकआउट करता है। मानसून क्या है? ये सीजनल विंड्स होती हैं जो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं विद द चेंज ऑफ द सीजन। जैसे ही समर गया तो विंड्स ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया और वो बदल गई मॉनसून में। ओके, दे फ्लो फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग द समर। जब समर आती है तो सी से लेके वो सैंड तक फ्लो करती है, तो वो बारिश करती है लैंड पर आके। जब विंटर आ जाती है तो वो लैंड टू सी जाती है। आपने मॉनसून सिस्टम पढ़ा है ना अच्छे से, लैंड से वो सी की तरफ रिवर्स हो जाती है तो विंटर में अभी सर्दी हो जाती है।
क्लियर है? ये सब आपके मिरर में नजर आ रहे हैं, राइट? यानी कि इसकी चार साइड है, इस तरीके से चार साइड है, इसलिए इसको बोला है चौखंडी, स्तूप है ये। तो गाइस पहले बताओ मेरे को, सब क्लियर है टॉपिक? अबे आप बताइए, अब सब क्लियर है क्या? ये जो चौखंडी स्तूपा है, दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड साइट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेशनल इम्पोर्टेंस जो साइट डिक्लेयर करा है बाय द ASI। प्रीलिम्स के लिए आपको कैसे इस न्यूज को यूज करना है? ठीक है, आपने पढ़ लिया, दैट ओके कि न्यूज में आया, आपने पढ़ लिया चौखंडी स्तूप है ये कुछ। नेशनल इम्पोर्टेंस क्या है, किन साइट को नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया है, किसने दिया है? ASI ने दिया है, तो ASI के बारे में थोड़ा वो जानना है आपको, राइट? चौखंडी स्तूप एक क्या है, एंशियंट बुद्धिस्ट साइट है, बुद्धिस्ट ये साइट है, इन द सारनाथ उत्तर प्रदेश में ये है। विद अ लॉफ्टी ब्रिक स्ट्रक्चर, ईटों से ये बना हुआ है सारा, क्राउन्ड विद ऑक्टेगोनल टावर। ये ऑक्टेगोनल मतलब इसकी आठ साइड है, ये एक टावर बना हुआ है, क्राउंड बाय विद एन ऑक्टागोनल टावर, यानी कि इसके ऊपर एक टावर है जो कि जिसकी आठ साइड है। क्लियर है ना बात, कि उसकी आठ साइड है। और ये जो है अशोक, आपने GS पढ़ी होगी, वन आर्ट एंड कल्चर को रीड करा होगा, तब पता होगा कि अशोक का जो एम्पायर है उस टाइम पर ये बना था। क्लियर है ये टॉपिक? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये GS 1 में आएगा ही आएगा। शिवाने, अभी, पिंकी, राशिद, नवीन, सब क्लियर है क्या? चलिए, बुद्धिज्म की इसमें इंपॉर्टेंस क्यों है? ये जो चौखंडी स्तूप है ना, वॉज बिल्ट टू मार्क द प्लेस, इसलिए बनाया गया था क्योंकि बुद्धा जो है वो जब बोध गया से सारनाथ में गए, तो पहले डिसिपल से वो यही इसी प्लेस पर मिले थे, राइट? पहले डिसिपल्स यही हुए थे, इसीलिए उस प्लेस को याद रखने के लिए, एज अ इंडिकेशन के लिए चौखंडी स्तूप बनाया गया था। लॉर्ड बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन आफ्टर अटेनिंग एनलाइटनमेंट इन द सारनाथ कोल्ड धर्म चक्र प्रवर्तन। पहला जो सरमन उन्होंने यहाँ पर डिलीवर करा था, जिसका जिसको क्या बोला था, धर्म चक्र प्रवर्तन। हितेश, क्या कवर नहीं हुआ आपका? चौखंडी एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं। देखिए, चौखंडी स्तूप है क्या, एक स्तूप है ये जो कि यूपी में पाया गया है। चौखंडी क्यों इसका नाम लिया गया है, क्योंकि ये चार तरीकों से बना है, स्क्वायर में इसकी लोकेशन है कुछ। ओके डन, देखो हितेश अच्छे से देखिए, ये है चौखंडी, यानी कि स्क्वायर शेप में बना है, चार इसकी साइड है। लॉफ्टी ब्रिक स्ट्रक्चर है, यानी कि सारा जो है वो ईटों से बना हुआ है। इसके ऊपर ये जो आप टावर देख रहे हो, ये ऑक्टागोनल है, यानी कि आठ साइड इसकी बनी हुई है, इसलिए इसको बोला गया है ऑक्टागोनल टावर, राइट? ये जो स्तूप है वो अशोक के टाइम पे बना था, एम्पायर अशोक था ना, तो उसके टाइम पे ये बना था। किस अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि इस साइट को जो है नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया है, किसने दिया है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दिया है। हितेश, आप डेली वन टाइम पे ज्वाइन किया कीजिए, सो बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आपके रह गए हैं, टॉपिक रह गए हैं, क्लास के बाद में आप उनको चेकआउट कर लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट क्यों है बुद्धिज्म में? इसकी इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि जो लॉर्ड बुद्धा जब बोधगया से सारनाथ आए थे, तो पहले डिसिपल यहीं पर हुए थे, पहला सेरमन उन्होंने यहीं पर डिलीवर करा था, जिसका नाम था धर्म चक्र प्रवर्तन। ओके, ASI क्या है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, याद रखना, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इट इज अ प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द नेशन।
जितनी भी हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज है, बहुत पुराने टाइम की चीजें बनी हुई है, कोई भी पेंटिंग है, कोई भी साइट है, कुछ भी है, कल्चरल हेरिटेज है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सेफ गार्ड करने के लिए, कंजर्व करने के लिए एक बॉडी बनाई गई, दैट इज ASI, और उसकी मिनिस्ट्री क्या थी? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर थी. तो मिनिस्ट्री याद रखना मेंस प्रीलिम्स के लिए मच मच इम्पोर्टेंट. क्लियर है? इट रेगुलेट ऑल द आर्क्योलॉजिकल एक्टिविटी इन द कंट्री एज पर द प्रोविजन ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्क्योलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958, एंटिक्विटीज और आर्ट रिजर्व एक्ट 1972. इन सब इन दोनों को भी यही ASI चेकआउट करता है. इट वॉज फाउंडेड इन 1861 बाय द अलेक्जेंडर कनिंगहम. इसके किस फाउंडर कौन है? अलेक्जेंडर कनिंगहम, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI. उसको फादर ऑफ इंडियन आर्क्योलॉजी भी बोला जाता है. टॉपिक क्लियर है आपको? GS1 के लिए रेलेवेंट है. नेशनल इंपॉर्टेंट साइट क्या है? जो अभी हमने एक्ट पढ़ा, एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन एक्ट, उसके सेक्शन 4 में लिखा गया है कि कोई भी मॉन्यूमेंट हो, कोई भी साइट हो जो एंशियंट हो, मतलब बहुत पुरानी हो, उसकी जो एज है, कोई भी साइट है, सपोज एक साइट है, उसकी जो एज है वो 100 साल से कम की नहीं होनी चाहिए. 100 साल से ऊपर ही अगर वो हो गए उस साइट को बने हुए, और वो बहुत पुरानी है, हिस्टोरिकल है, आर्कियोलॉजिकल है, और एक यूनिक वे में भी वो बनी हुई है, तो उसको क्या नेशनल इंपॉर्टेंट साइट का दर्जा दिया जा सकता है. ओके, तो ये याद रखिएगा कि नॉट लेस देन 100 ईयर मे बी डिक्लेयर्ड एज अ साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. टॉपिक क्लियर है क्या हितेश नवीन? नेक्स्ट है पट्टचित्रा. पट्टचित्रा क्या है? ये एक तरीके की, देखो आप इसके मीनिंग से कर लोगे ना, पट चित्र, चित्र मतलब कोई भी पेंटिंग, पट ओके पिंकी, मैं कर दूंगी. पट चित्र यानी कि एक पट पर, एक जगह पर चित्र बनाना, ड्राइंग करना, ठीक है? ये एक तरीके की पेंटिंग है जो कैनवस पर प्रेजेंट करी गई है. इसमें जो कलर्स है ना गाइज, ये जो आप कलर देख रहे हो, ये इधर पिंक कलर हो गया, व्हाइट कलर हो गया, वेजिटेबल और फ्रूट से लेकर, फ्रूट कलर और वेजिटेबल से कलर बनाकर वो इस पेंटिंग में यूज करे जाते हैं. ओके, मैनी स्पीसीज ऑफ द पट्टचित्र आर्ट हैव बीन डैमेज ड्यू टू द साइक्लोन फनी इन द कोस्टल विलेज ऑफ ओडिशा. कोविड-19 ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन द सेल ऑफ दिस पेंटिंग. न्यूज में किस लिए था? क्योंकि साइक्लोन फनी जो आया था उसकी वजह से पट्टचित्रा की जो कला है, वहां पर एक ऐसा प्रॉपर गांव है, विलेज है, जो कि इन पेंटिंग को बेचता है और उन पेंटिंग से आने वाली इनकम से ही अपना गुजारा करता है. लेकिन साइक्लोन फनी की आने की वजह से वो पेंटिंग बिक नहीं पाई, खराब हो गई, तो उस जो विलेज है उसको काफी इम्पेक्ट हुआ. कोविड-19 ने भी इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, समझ रहे हो ना? कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि कोविड-19 ने भी सारा जो है मैटर को खराब कर दिया. चलिए, पट्टचित्र है क्या? एक ट्रेडिशनल क्लोथ बेस्ड स्क्रॉल पेंटिंग है फ्रॉम ओडिशा से मिलती, ओडिशा में ये है, विच डिराइव इट्स यूनिक प्लेस बिकॉज ऑफ इट्स पिक्टोरियल कंसेप्शन, टेक्निक ऑफ पेंटिंग, लाइन फॉर्मेशन एंड कलर स्कीम. इन सब चीजों की वजह से ये काफी जो है फेमस है और काफी बिकती भी है. ये कैनवस पर बनाई जाती है, और जैसे मैंने कहा कि वेजिटेबल, फ्लावर्स और फ्रूट्स वगैरह से लेके इसके कलर और उनपे डिजाइन वगैरह करे जाते हैं, और मोस्टली मिथोलॉजिकल इन डिपिक्शन, मिथोलॉजिकल ये होती है. इम्पॉर्टेंट क्या है अब आपके लिए? इस आर्ट फॉर्म में 3 तरीके की थीम होती है. एक है थिया बदिया, याद करना, थिया बदिया कि थी ये बढ़िया, आप ऐसे इसको राइम करो, थी ये बढ़िया, थिया बदिया, दैट डिपिक्शन ऑफ द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ. ओडिशा में है ना जगन्नाथ का टेम्पल है, उसको ये शो ऑफ करता है, उस जगन्नाथ को ही जो है पेंटिंग में बनाया गया है. फिर आते हैं कृष्ण लीला. कृष्ण लीला वहां पे फेमस है, तो जगन्नाथ को एज अ लॉर्ड कृष्णा प्रेजेंट करा गया है, डिस्प्लेइंग हिज पावर एज अ चाइल्ड. लॉर्ड कृष्णा जब उनके चाइल्ड की जो इमेज है कृष्ण लीला, तो उस पेंटिंग में इसको इस तरीके से दिखाया गया है. फिर आता है दशभद्रा पट्टी. दशभद्रा पट्टी,
टेन इंकारनेशन ऑफ द लॉर्ड विष्णु, विष्णु के जो 10 अवतार हैं वो इस वाली पेंटिंग में दिखाए गए हैं। तो ये गाइस आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या थीम्स हैं और किस थीम पर किस जो है लॉर्ड को या किसको दिखाया गया है, तो वो चीजें याद रखना। ये सभी ओडिशा में है। पंचमुखी, पंचमुखी को क्या है, गणेश के जो पांच सिर होते हैं, मतलब पंचमुखी जो गणेश की मूर्ति होती है, जो भगवान है, उनको इस पे डिपिक्ट करा गया है। तो क्लियर है ये। एक तो है थिया बदिया, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। फर्स्टली है थिया बदिया, फिर है आपका कृष्ण लीला, फिर आपका आता है दशबत्रा पट्टी, फिर आता है पंचमुखी। ये चार है गाइज आपको याद रखने हैं। ओके, मच 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 रेलिवेंट फॉर योर प्रीलिम्स। रघु राजपुर, ये है विलेज का नाम जो कि ओडिशा के पुरी में लोकेटेड है। ट्रेडिशनल हेरिटेज वैल्यू भी है उस जो है विलेज की, क्योंकि वो पट चित्र तो बनाते हैं, पेपर मास्क भी बनाते हैं, वुडन कार्विंग्स भी बनाते हैं, डॉल्स की, ये सारे। यानी कि आपने सुना भी होगा कभी न्यूज में कि एक ऐसा गांव है जो खिलौनों के लिए, पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है, दैट वो ओडिशा में है। ओके, यू आर वेरी लेट राम कुमार, और तो क्लास ओवर होने ही वाली है बस। रघु राजपुर वो विलेज है जो कि वहाँ की पेंटिंग्स लाइक पट्टचित्रा, पेपर मास्क और वुडन कार्विंग्स के लिए वो जाना जाता है। स्क्रॉल पेंटिंग दूसरी कौन कौन सी है ये याद कर लेना, GS1 के लिए इम्पोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में मिलेगी कलमकारी, कौन सी है, आंध्र प्रदेश में है कलमकारी। वेस्ट बंगाल में है कालीघाट पट्स। राजस्थान में है फड़ पेंटिंग। ये जो न्यूज में थी ना गाइस, हम सिर्फ वही कर रहे हैं, बाकी सारी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में है फड़ पेंटिंग। फिर तेलंगाना में है चेरियाल पेंटिंग, चेरियाल पेंटिंग या केरियल पेंटिंग, कैसे भी आप इसको प्रोनाउंशिएट करो। राजस्थान में दो है, एक है पिछवाए और एक है फड़, तो दोनों ही पी से स्टार्ट हो रही है, याद रख लेना। पिछवाए और फड़ पेंटिंग है राजस्थान की। तेलंगाना में है केरियल पेंटिंग, वेस्ट बंगाल में है कालीघाट पट और आंध्र प्रदेश में कलमकारी। क्लियर है। चलिए फिर टॉपिक आता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट को इंक्लूड करा गया है। अभी जयपुर, जयपुर आपने सुना होगा, पिंक सिटी इसको बोला जाता है, उसको जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिला है। ये इंडिया की पहली सिटी बन गई है जिन्होंने हेरिटेज सिटी का टैग मिला है। ओके, पहले ओल्ड अहमदाबाद वॉज द इंडियाज फर्स्ट सिटी टू विन द हेरिटेज सिटी टैग। अभी ये सेकेंड है। ओके, पहले अहमदाबाद को मिला था सिटी टैग, अभी जयपुर को मिला है। तो अभी हेरिटेज साइट इंडिया में ऐड हो इंक्रीज हो गई है। 38 तो हेरिटेज लिस्ट में है, 30 कल्चरल है, 7 नेचुरल है साइट है और 1 मिक्स साइट है। क्लियर है ये टॉपिक। चलिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर न्यूज में आया, टॉपिक आया, तो हम वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी क्या है, साइट क्या है, वो देख लेते हैं। ये कमेटी है एग्जीक्यूटिव बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। कन्वेंशन एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि 72 में अडॉप्ट करा गया था बाय द मेंबर स्टेट ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को नहीं, यूनेस्को के अंदर ही आता है, ये तो चीज़ हमें पता ही है। प्राइमरी मिशन क्या है इसका, कि वर्ल्ड में जितनी भी नेचुरल है, कल्चरल हेरिटेज है, यानी कि नेचुरली बनी हुई है और कल्चरली इंपॉर्टेंट है कोई साइट जिसकी एक आउटस्टैंडिंग वैल्यू है, तो उन सबको इसमें एड ऑन करना है। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ये है कि 5 C 5 C's जो होते हैं उनको कंजर्व करना है। देखो, क्रेडिबिलिटी, कंजर्वेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटीज। तो ये 5 C's हैं, आप अपने 5 फिंगर्स पर याद करो, क्रेडिबिलिटी, कंजर्वेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटीज। ओके, यूनेस्को क्या है, एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनेस्को की जो पेरिस में लोकेटेड है। इसका पर्पस ये है कि पीस और सिक्योरिटी को कंट्रीब्यूट करना, उनको सेफगार्ड करना, साइंटिफिक और कल्चरल जो रिफॉर्म्स आते हैं उनको देखना। और यूनाइटेड स्टेट और इजराइल ने यूनेस्को को छोड़ दिया था 2018 में, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, आपको पढ़ना है गाइज। अब हमारी क्लास आज की ओवर होती है, टाइम भी हो चुका है। सो हाउ वॉज योर क्लास टूडे?
फिर क्लास क्लास आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का नाम है स्टडी आईएएस, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल अन अकेडमी अंकिता जिंदल। ओके, आप इस चैनल से मेरे को कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। और भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग द क्लासेस, रिगार्डिंग एनी कोर्सेज, तो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच पिंकी अभी एंड शिवान्या, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ओके, यू विल ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, देयर आई विल शेयर टिल द इवनिंग ऑल द पीडीएफ। रंजीत प्लीज मेक योर प्रेजेंस इन द कमेंट बॉक्स दैट आई नो दैट यू आर हेयर। आप अभी एट लास्ट ऑफ द क्लास में कर रहे हो, सो इसलिए आप क्लास में इंटरेक्ट रहा कीजिए। थैंक यू सो मच। और क्लास वन कल हो चुकी है गाइस, तो वो भी आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने करे थे। 15 से लेके 20 तक ये जो है क्लास पूरा कोर्स जो है वो चलेगा, जिसमें हम सारे प्रीवियस ईयर जो जो लास्ट वन ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सबको चेकआउट करेंगे। सो जो प्रिलिम्स से आपको ले जाकर मेंस तक पहुंचा देंगे। ओके, अभी आप प्रिलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, फिर आप मेंस की करोगे। ओके, तो ये सफर आपका तय करने में क्लासेस आपको हेल्पफुल करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर द क्लास एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू। ओके।